ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम डे वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे एंड्री ड्रैगन से फाइट करने के लिए और एंड्री ड्रैगन को मारने के लिए। तो देखो यार, हमारे पास जो नॉर्मल डायमंड सॉर्ड है या फिर जो नॉर्मल क्रॉसबो है, उस चीज से ना एंड्री ड्रैगन को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हमें ना कुछ तगड़े टूल्स चाहिए, कुछ तगड़े वेपन्स चाहिए जिससे हम एंड्री ड्रैगन को मार पाए। तो लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एन्चेंटमेंट टेबल बनाया था जिससे मैंने अपने सभी वेपन्स को, अपने सभी टूल्स को अपग्रेड कर दिया था। और आप लोग ना यहाँ पर देख पा रहे होगे, अभी जो मेरी चेस्ट प्लेट है, जो मेरी पैंट है, जो मेरे बूट है, उसके अंदर से एक अलग ही लाइट निकल रही है। मतलब कि ना इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज मैंने डाल दी है। अब जो मेरा हेलमेट था यार, फिलहाल वो तो टूट गया था, बट यार अभी मैंने दूसरा हेलमेट बना लिया है। मतलब कि यार अपनी जितनी एक्सपी होती है ना, हम लोग अपने वेपन्स को उतना ही ज्यादा अपग्रेड कर पाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले एपिसोड में मैंने एक्सपी फार्म बनाया था। अब यार देखो, एक्सपी फार्म से ना मुझे क्या होगा, बहुत सारी एक्सपी मिलेगी। तो मैं अपने वेपन्स को, अपनी जितनी भी डायमंड सॉर्ड है, डायमंड पिकैक्स है, इनको बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दूंगा। और इतना ज्यादा अपग्रेड कर दूंगा ना कि अगर कोई भी छोटा मोटा ज़ॉम्बी आए, उसको मैं सिर्फ एक ही अटैक में मार पाऊंगा। बस आप लोग देखते जाओ। तो यहां पर ना फिलहाल ये जो शुगर केन मैंने ना लास्ट टाइम यहां पर से प्लग करा था, तो अभी ना मैं सारा का सारा यहां से निकाल रहा हूं। और मेरे को देख लो भाई, कितना सारा यहां पर शुगर केन मिल चुका है। अब देखो, शुगर केन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ना शुगर केन से बनता है पेपर, और पेपर से बनती है बुक्स। और उन सभी बुक्स को ना अगर हम शेल्फ में डालेंगे और उसे एन्चेंटमेंट टेबल के आसपास रख देंगे, तो फिर ना एन्चेंटमेंट टेबल ना एक नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगी। और फिर हमें ना उससे हम अपने वेपन्स को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी फटाफट से ना मैं अपने रूम में चलता हूं। और ये देखो, ये है वो मेरी स्वॉर्ड जिसको मैंने लास्ट टाइम अपग्रेड करा था, तो इसे यहां पर रखते हैं। और मेरे को भी बहुत सारा लैपिस लकुजी भी चाहिए, तो मैं ये भी ले लेता हूं। और गाइस, जहां पर मैंने माइनशाफ्ट में अपना एक्सपी फार्म बनाया ना, वहां पर मैंने थोड़ी बहुत चीजें अपग्रेड करी है, अभी आपको चलकर दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ना यहां पर मैं एन्चेंटमेंट टेबल का जो काम है वो खत्म कर देता हूं। और मेरी फिश बेचारी यार 3-4 दिन से भूखी बैठी है। एक काम करता हूं, इसको मैंने एक फिश खिला लेता हूं। ये यार तेरा भी पेट खाली रहता होगा, तो अभी मेरे पास एक ही फिश थी इसलिए मैंने इसे खिला दी। और बाकी भी मेरे पास जो फालतू की चीजें हैं ना, उसको मैं यहां से बाहर कर देता हूं, जैसे कि ये वाली पिकैक्स हो गई, अभी इसका कोई काम नहीं है। बाकी यार देखो, शुगर मेरे पास बहुत सारा हो गया है। और अगर हम लोग शुगर को यहां पर डालेंगे तो मैं बहुत सारा, देखो यहां पर इससे तो नॉर्मल शुगर मिल रहा है। पेपर्स के लिए मुझे क्या करना होता था, एक सेकंड रुक जाओ, पेपर की रेसिपी मैं भूल गया। हाँ, मैं इस तरीके से तीनों को रख देना है। तो अभी फटाफट से यहां पर तीनों को रख देते हैं और इसको मैं चेक करता हूं टोटल हमारे पास कितने पेपर्स आ पाएंगे। ठीक है, अभी फटाफट से यहां पर मैं जितने भी पेपर आते हैं ना, मैं सारे के सारे ले लेता हूं। ये देखो, अभी भी थोड़े बहुत पेपर आ सकते हैं, एक पेपर और आएगा। चलो, तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी मेरे पास ना बहुत सारे पेपर्स हो गए हैं। नीचे चलकर देखते हैं अभी इसका मेरे को मतलब एकदम करेक्ट अकाउंट नहीं पता। और यार देखो, अभी मेरे को बनाना है बुकशेल्फ। बुकशेल्फ बनाने से पहले मेरे को काफी सारी बुक्स बनानी पड़ेगी, और बुक्स बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा लेदर। तो लेदर तो यार मेरा बहुत सारा ऊपर पड़ा हुआ है, सारा का सारा लेदर लास्ट टाइम मैंने यहां पर लाकर रख दिया था। तो मेरा ये रहा लेदर, 42 यहां पर लेदर है, तो यानी कि 42 बुक्स बन जाएगी। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अभी ना मेरे को 15 बुकशेल्फ बनाने हैं, तभी जो अपना एन्चेंटमेंट टेबल का जो मतलब एक टाइप से अपग्रेड करना होता है ना, एन्चेंटमेंट जो टेबल होता है ना, उसके आसपास हमें ना चारों तरफ बुकशेल्फ लगाने होते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग एकदम नेक्स्ट लेवल उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो यार देखो, जो एन्चेंटमेंट टेबल है ना, उसके चारों तरफ मेरे को बुकशेल्फ लगाने होंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे वेपन्स है, जो टूल्स है, उसको हम और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर मुझे बहुत सारे पेपर्स मिल गए हैं, और अभी मेरे को बनानी है बुक। तो बुक की रेसिपी भी फिलहाल मैं भूल गया हूं, लेकिन यहां पर देखो, बुक बनाने के लिए इस तरीके से पेपर रखने होते हैं और इस तरीके से ऐसे रखना होता है। और यहां पर भी टोटल ना मेरे को 30, देखो यहां पर मेरे को टोटल यहां पर 31 बुक्स मिल चुके हैं। चलो भाई, बहुत सही। अभी ना इतनी कम बुक इसलिए मिली है क्योंकि यार पेपर्स अभी हमें बहुत ज्यादा चाहिए, तो अभी मैं और शुगर केन लाऊंगा और हमें और पेपर्स मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ना मेरे पास ऊपर शुगर पड़ी हुई है, एक सेकंड रुक जाओ, मेरे पास अभी शुगर केन होगा अभी बहुत सारा। एक बारी ऊपर चलकर ना देख कर आता हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने यहां पर थोड़ा बहुत शुगर केन छोड़ दिया हो। तो एक बारी ना इसके अंदर मैं चेक करता हूं। और ये देखो गाइस, यहां पर ना मेरे पास और शुगर केन पड़ा हुआ था, तो अभी ना जल्दी से ये वाला जो शुगर केन है ना, इसके भी मैं पेपर्स बना लेता हूं और यहां से और बुक्स बन जाएगी। तो अभी फटाफट ना यहां पर इस शुगर केन को कुछ इस तरीके से रख देते हैं। यहां पर 10 इसमें रख देता हूं, 10 इसमें रख देता हूं, और बाकी जो है उठा के इसमें डाल देता हूं। अब यहां पर देखो, मेरे पास ना टोटल 21 यहां पर पेपर्स आ चुके हैं, और यहां पर अभी थोड़े-थोड़े मेरे को इसमें भी डालूंगा। तो यहां पर अभी 6 पेपर और आ गए, और यहां पर अभी एक पेपर और आ जाएगा। तो कि गाइस यार, अभी ना मेरे पास यहां पर 30 पेपर्स और आ गए। यार मुझे तो मालूम ही नहीं था कि शुगर केन अभी मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो यहां पर ना मैं अभी और बुक्स बना सकता हूं। तो ये देखो, यहां पर अभी ना मैंने और बुक्स बना लिया। अभी फटाफट से देखो, 10 बुक मेरे को और मिल चुकी है, और मेरे पास हो गया 41 बुक। अब ना जल्दी से हम लोग बुकशेल्फ बनाते हैं। बुकशेल्फ बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा ओक वुड। तो वुड भी मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, वुड की कोई कमी नहीं है। तो फटाफट इसको यहां पर रखो। यहां पर 22 ओक वुड उठा लेता हूं, थोड़ा बहुत डार्क ओक वुड उठा लेते हैं, पता नहीं डार्क ओक वुड से नहीं होगा। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो ना, मेरे पास बहुत सारा ओक वुड जो है इकट्ठा हो चुका है। मेरे को ना थोड़ा बहुत ओक वुड और चाहिए होगा, और यहां पर अभी हम लोग बना सकते हैं 13 बुकशेल्फ यहां पर और बन गए। फटाफट से सारा का सारा बुकशेल्फ यहां पर कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब कि यार अभी थोड़ी सी वुड की कमी मेरे को पड़ रही है, तो इसको यहां पर रखता हूं। और अभी जो अपने 5 बुकशेल्फ और बन गए। तो कि गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना यहां पर मेरे टोटल 13 बुकशेल्फ बन चुके हैं। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एक बुकशेल्फ और बनाना है, क्योंकि यहां पर ना टोटल 15 बनाने होते हैं, और एक जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो कि नीचे की तरफ में पड़ा हुआ है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बुकशेल्फ मेरे को और बनाना है। ये देखो,
यहाँ पर एक बुकशेल्फ मेरे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर अभी 14 बुकशेल्फ हो गए। तो एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले ना यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा ना ये चाहिए होगा, क्योंकि ना अभी मेरे को वीट की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, अभी ना मेरे को और शुगर केन ढूंढ के लाने पड़ेंगे, पेपर्स की कमी पड़ गई है, तो और बुक्स बनाएंगे तभी यहाँ पर और बुकशेल्फ बनेंगे। अभी फटाफट यहाँ से मैं पहले बाहर निकलता हूँ, और यहाँ पर मेरा हॉर्स है, जल्दी से बाहर आ जा, ड्रामे मत कर, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगा। भाई साहब ये तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है, तू आ जा बाहर। भाई साहब एक तो ना इनके नाम रखने पड़ेंगे, मेरे को नेम टैग मिला है, बट यार ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे, शायद से ना मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। अब आ जाओ बाहर भाई, यहाँ पर मेरे को दरवाजे तोड़ने पड़ रहे हैं। आ जा, मेरी बात मान ली इसने, फटाफट से बाहर आ गया। अभी जल्दी से मैं अपने हॉर्स पर बैठ के ना यहाँ से निकल लेता हूँ शुगर केन ढूंढने के लिए। मेरे को ना वैसे ज़्यादा नहीं ढूंढने, 3-4 शुगर केन भी मिल जाएंगे ना, अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं अपना गेट बंद कर देता हूँ ताकि कोई मेरे घर में घुस के चोरी वोरी ना करके चले जाए। अभी एक काम करता हूँ, तलवार निकालो भाई, तलवार से हम लोग शुगर केन आज तोड़ने वाले हैं। और यार देखो लास्ट टाइम ना मेरे हॉर्स को क्रीपर ने मारा था क्योंकि मैं गड्ढे में जाकर गिरा था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, और क्रीपर भाई साहब जी साथ में उसी गड्ढे में आके कूद गए। मतलब यार सच्ची में क्रीपर बहुत ज्यादा गधैया और पागल से होते हैं। तो यार देखो बहुत सारे लोगों ने ना मुझे इंस्टाग्राम पर बताया था कि जो शुगर केन होती है ना वो सैंड पर ज्यादा जल्दी उगती है, ना कि नॉर्मल डर्ट पर। तो अभी ना देखो मैंने तो लास्ट टाइम जो है नॉर्मल डर्ट पर ग्रो करने के लिए रखा था, बट इस बार जो है मैं इसे सैंड पर रखूंगा। और यहां पर भी देखो ये ना सैंड पर ही है, तो एक काम करता हूं ना मैं उतर के थोड़ा बहुत सैंड ना यहां से कलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि अभी मैं अपने घर में जो है सैंड लगाने वाला हूं। शुगर केन की वैसे फिलहाल अभी इतनी ज्यादा जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत सैंड लेकर चल लेते हैं। तो अभी ना यहां पर फिलहाल जितना भी सैंड था वो ऑलमोस्ट मैंने सारा का सारा कलेक्ट तो कर लिया है। अभी जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं। और मेरा हॉर्स देखो भाई साहब कहां जाने की पड़ी है तेरे को, इसको यार बांधने का जुगाड़ बताओ भाई। इसको मैं जब भी छोड़ता हूं ना ये मेरे को छोड़ के चले जाता है बहुत ज्यादा दूर, तो इसका कोई ना कोई जुगाड़ मेरे को ढूंढना पड़ेगा। और यहां पर ना गाइस अभी मैंने थोड़ा बहुत जो है शुगर केन इकट्ठा कर लिया है, और अभी फटाफट से मैं अपने घर पर वापस जा रहा हूं। अब यार देखो मेरे घर में एंटर होने का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सामने से, तो मैं सोच रहा हूं ना पीछे से भी एक आध रास्ता हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग वहां पर आराम से घुस पाए। अभी ना जल्दी से अंदर की तरफ में मैं चलता हूं। यहां पर ये वाला घोड़ा अंदर क्यों नहीं घुस रहा है भाई, क्या सस्ता घोड़ा सा भाई ये, इसको भी जल्दी से वाला गेट बंद करो ताकि आराम से बार बार ना जा पाए। और इसको मैं पीछे अपनी पार्किंग में लेकर चल लेता हूं, वैसे पार्किंग नहीं है बट यार जो भी अच्छा है। अभी फटाफट हम लोग अपने घोड़े से उतरते हैं और अंदर आ जा भाई फटाफट से, फटाफट अंदर आ। यहां पर ना ये अंदर आने का ना नाम लेते नहीं है जल्दी, तो चल अंदर आ, अंदर आ फटाफट से। अबे भाई अंदर आ जा, पिटेगा वरना अभी। अभी यहां पर देखो मैंने इसको अंदर बुला लिया, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनने वाला, मुझे पता है, मुझे ना गेट लाकर लगाना पड़ेगा, ये तभी मेरी बात मानेगा। चलो फिलहाल मैंने घर के जो गेट है वो बंद कर देते हैं, यानी कि अभी ये घर से बाहर नहीं जा सकता। अभी फिलहाल जो मेरे को शुगर केन चाहिए था ना वो तो मैं लेकर आ गया हूं। अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं नीचे वाले फ्लोर पर, और यहां पर एक काम करता हूं, थोड़ी सी ना वुड मैं कलेक्ट कर लेता हूं, वुड की अभी और जरूरत है, तो यहां पर वुड मैंने ले लिया है। और यहां पर ना अभी बुकशेल्फ बनाने के लिए मुझे थोड़े से पेपर्स चाहिए, तो फटाफट यहां पर पेपर्स रखो, और कुछ इस तरीके से मेरे को हर जगह रखने हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने एक बुक और बना लिया है, और यहां पर अपना एक और क्राफ्टिंग टेबल बन गया है। तो चलो गाइस यार सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है, अभी मैं जाने वाला हूं अपने सीक्रेट रूम में। एकदम जो अपना एन्चेंटेड टेबल है ना, मतलब जो एन्चेंटमेंट टेबल है उसको हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करने वाले हैं। यहां पर ये जो सीक्रेट रूम का रास्ता है ना भाई, ये बहुत ज्यादा गजब है। बस यार नीचे ना थोड़ा सा अंधेरा है, तो कहीं मॉब्स स्पॉन ना आ जाए इधर, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी देखो मेरे पास ना टोटल 15 यहां पर बुक शेल्फ हो चुके हैं, तो यहां पर इसे ना कुछ इस तरीके से रखना है कि इसके बस सामने नहीं रखना, बस यार थोड़ा बहुत यहां पर गैप होना चाहिए, कुछ इस टाइप से मैं इसे रखते जाता हूं। बाकी पीछे की तरफ से भी इसे अटैच नहीं करना है, कुछ इस टाइप से रखना है। और गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी जो मेन अपना काम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो अपना एन्चेंटमेंट टेबल है ना, और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इसमें से ना कुछ वर्ड्स जो है उड़ के इसके अंदर जा रहे हैं। मतलब कि यार ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना सक्सेसफुली एकदम बढ़िया बनाया है, और यहां पर अब हम लोग एन्चेंटमेंट टेबल से काफी कुछ बढ़िया चीजें बना सकते हैं। तो सबसे पहले ना यहां पर मैं अपना हेलमेट रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे ना उसे थोड़ा सा अपग्रेड करना है, तो फटाफट इसके अंदर अपना हेलमेट रखते हैं। और यहां पर थोड़ा सा डालते हैं इसमें लैपिस लकूजी, अब देखते हैं इससे क्या बनेगा। ये देखो यहां पर बनेगा एक्वा एफिनिटी, ठीक है इसको यहां पर रख देते हैं। और अपना जो हेलमेट है अभी बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है, तो मैं एक बार ये अपना हेलमेट पहन कर देखता हूं कैसी लुक आ रही है। फिलहाल लुक तो वैसी आ रही है जैसे पहले आ रही थी। अब यार जितने भी मेरे पास यहां पर चेस्ट प्लेट बूट है ना, ये सारे के सारे मुझे डायमंड के भी बनाने हैं। तो गाइस यार देखो भी मेरे पास जितना भी आयरन का सामान है ना वो भी मैं सारा का सारा जो है पूरा पूरा एनहेंस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये शॉवल भी इसके अंदर डाल देते हैं। और गाइस यार एक काम करते हैं ना, अभी ना मैं अपनी जल्दी से ना एक बो बनाकर लाता हूँ। और ये जो जगह है, अच्छा ये तो वापसी का रास्ता है, फटाफट से ना गाइस यार मेरे को ना अभी बो बनानी है। बो मतलब कि वही जो तीर कमान होता है, अभी ना वो जो तीर कमान है ना बहुत ज्यादा काम आता है। अभी फटाफट से चलता हूँ मैं अपना तीर कमान बनाने के लिए। तीर कमान बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो चीज़ मुझे नहीं मालूम, बट यार अपने को क्राफ्टिंग टेबल से रेसिपी पता चल जाएगी। तो अभी फटाफट यहाँ पर मैं आ चुका हूँ क्राफ्टिंग टेबल में। अभी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फटाफट से बो। अब देखते हैं बो की जो रेसिपी है वो होती है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स चाहिए 3 और यहाँ पर स्टिक्स चाहिए, सब कुछ पड़ा हुआ है तुम्हारे भाई पे। अभी जल्दी से लेकर आते हैं। तो देखो गाइस यहाँ से मुझे स्टिक्स मिल गई है, और यहाँ पर से मुझे काफी सारे स्ट्रिंग्स भी मिल गए हैं। तो अभी बहुत सारे स्ट्रिंग हो चुके हैं, और यहाँ पर थोड़े बहुत ना तीर भी ले लेता हूँ जो कि चलाने के काम आएंगे। अभी फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ में यहाँ पर अपना तीर कमान बनाने के लिए। अभी फटाफट से इसके अंदर मैं डालता हूँ, और ये देखो गाइस यहाँ पर जो अपना बो है ये बन गया है। और इसको ना मैं चल के अपग्रेड करता हूँ, मतलब यार कुछ इस टाइप का बना देंगे ना कि हमें तीर की बिल्कुल भी कमी ना हो, और ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए
सोचा कि दूर से अगर कोई भी यहाँ पर मॉन्स्टर आ रहा हो या फिर कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह आ रहा हो, सबको हम लोग बहुत ही बुरे वाला मारे। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं वापस से आ गया हूँ अपने इस जगह पर, और फटाफट से अपने तीर कमान को इधर डालते हैं और इधर डालते हैं लैपिस लकुजी, और यहाँ पर एक आ गया अनब्रेकिंग का। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर जो मेरी बो थी वो भी अपग्रेड हो गया है, और यहाँ पर जो दूसरी वाली मेरी क्रॉस बो थी उसको भी मैंने अपग्रेड कर दिया है। अब यार जल्दी से ना गाइस चलकर हम लोग बनाने वाले हैं सीधा अपना एनविल। एनविल से क्या होता है ना गाइस, हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती है ना, मतलब जितने भी टूल्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं, उन सबको मैं रिपेयर कर सकता हूँ, और साथ के साथ ना अगर हम उसमें अपनी एनहेंसमेंट वाली कोई बुक डालते हैं तो मैं उसको और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो ना मुझे अपने बैग को भी थोड़ा बहुत खाली करवाना पड़ेगा, तो मुझे जितने भी स्टोन मिले थे ना लास्ट टाइम वो सारे के सारे मैं इधर स्टोर करवा देता हूँ। जैसे इतने सारे कॉबल स्टोन है, अब यहाँ पर ये भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पे पड़ी हुई हैं, इतनी सारी स्टिक्स है, तो अब मुझे चाहिए आयरन इंगट। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे आयरन इंगट उठा लिए, और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा आयरन भी पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मुझे अपना बैग थोड़ा बहुत खाली करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का अभी कोई काम इतना बचा नहीं है, तो इनको मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ, बाद में जो है उठा लूँगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर ना सबसे पहले खाना खा के पेट भरते हैं। भाई खाना खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, फिर मैं बनाने वाला हूँ एनविल। तो चलो गाइस यार देखो, सबसे पहले एनविल बनाने के लिए ना हमें सीधा सर्च करना है यहाँ पर एनविल। अभी मेरे को बनाना आता नहीं है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा। तो मेरे को तीन चाहिए आयरन ब्लॉक और साथ में चार आयरन इंगट। तो देखो आयरन ब्लॉक बनाने के लिए मुझे पता है क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जितना भी आयरन है ना उसे हर ब्लॉक में रख दो, बस यहाँ पर हमारा आयरन इंगट बन जाएगा। और देखो ये बन गया आयरन ब्लॉक। तो अभी एक और आयरन ब्लॉक हमें बनाना है, तो इसी तरीके से सब में जो है हमें इस तरीके से जो है रखते जाना है, और यहाँ पर अपना एक आयरन ब्लॉक और बन जाएगा। और एक आयरन ब्लॉक मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर दो आयरन ब्लॉक हो चुके हैं। अब एक काम करता हूँ, एक आयरन ब्लॉक मेरा इसमें भी था, तो टोटल अभी अपने पास तीन आयरन ब्लॉक हो गए हैं। तो अभी फटाफट से ना एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग जल्दी से बना लेते हैं एनविल। तो एनविल बनाने के लिए क्या करना था मैं भूल गया, ऊपर वाले में चारों ऐसे रखने हैं, मतलब तीनों को इस तरीके से रखना है, और नीचे वाले में चार को इस तरीके से रखना है। और ये बन गया अपना एनविल। और अब इस चीज से ना मैं अपने सारे के सारे जितने भी यहां पर आइटम थे ना उसे रिपेयर कर सकता हूं। तो फटाफट से ना अभी एनविल को मैं इधर की तरफ में प्लेस कर देता हूं, कहीं बाहर नहीं जाने वाले हम लोग। तो देखो भाई, अब यहां पर जितनी भी मेरी चीजें जो है डैमेज पड़ी है ना, जैसे कि ये थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा है, और यहां पर फिर मैं आयरन गट डाल दूंगा, तो ये मेरे को जो है पूरा पूरा रिपेयर होकर मिल जाएगा, और इस तरीके से ये भी रिपेयर हो जाएगा। और जो मेरी डायमंड पिकैक्स है ना, मेरे को उसे भी पूरा पूरा रिपेयर करवाना है। तो अभी ना जल्दी से मैं यहां पर आता हूं, इसके अंदर मेरे पास कुछ डायमंड पड़ा हुआ है, तो भी जल्दी से चल के यहाँ पर मैं अपनी डायमंड सॉर्ड भी रिपेयर करवाऊंगा, और साथ के साथ जो डायमंड पिकेक्स है जिसको मैंने लास्ट टाइम बहुत ज्यादा यूज करा था, इसको भी पूरा मैंने रिपेयर करवा लिया। लेकिन गाइस यार इसकी शायद से एबिलिटी हट गई क्या? नहीं नहीं, एबिलिटी नहीं हटती। तो यहाँ पर मेरी जो डायमंड सॉर्ड है वो ऑलरेडी पूरी पूरी ठीक थी। और ये रिपेयर करवाने के लिए क्या चाहिए होता है यार, ये रिपेयर करवाने के लिए मुझे नहीं पता यार क्या चाहिए। इसको अभी फिलहाल साइड में ही रख देते हैं, इसको बाद में रिपेयर करवाएंगे। और यहाँ पर जो मेरी ये वाली सॉर्ड है ना, इसे भी रिपेयर करवाना पड़ेगा, लेकिन यार अपने पास अभी आयरन इंगट बचा ही नहीं है। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ में, और यहाँ पर इसको मैं वापस से ट्राइडेंट को इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ, और यहाँ पर जो अपनी स्वॉर्ड है इसको भी वापस से रखवा देते हैं। और अभी गाइस यार मैं अपने डायमंड को भी वापस रखवा कर सीधा जाने वाला हूँ, एक ना आयरन गेट बनाना है मेरे को। तो आयरन गेट बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए होगा, तो छह आयरन यहाँ पर मैं डालता हूँ इधर की तरफ में। तो कि गाइस यार थोड़ा बहुत वेट करने के बाद यहाँ पर ना काफी सारा आयरन मेरे को मिल चुका है यहाँ पर दोनों फर्नेस से, और इसके अंदर से एक आयरन मेरे को और मिल जाएगा। तो मेरे पास ना टोटल 12 आयरन इंगट हो गए हैं, और यहाँ पर ना मुझे आयरन का एक डोर बनाना है। ठीक है, तो गाइस यार देखो टोटल 6 डोर मैंने यहाँ पर बना लिया। मेरे को ना एक चीज और बनानी है, वो है बटन। आज यार देखो मैं ना बहुत ज्यादा क्राफ्टिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट यार ये जो चीज़ है ना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर टोटल ना 6 बटन हम बना लेते हैं, एक बटन और बनाना है। अभी टोटल 6 बटन हो गए, और साथ में मेरे को बनानी है अब एक बोट। बोट का भी बहुत ज्यादा काम है। अब किस लिए बना रहा हूँ ये सब वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ना बोट के लिए मुझे एक शॉवल चाहिए होगा, मतलब पूरा वुड का शॉवल चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक शॉवल सर्च करते हैं। यहाँ पर शॉवल के लिए भी मुझे 2 स्टिक चाहिए, और स्टिक मेरे पास इसके अंदर बहुत सारी पड़ी हुई है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक शॉवल बना लिया है, अब हम लोग बनाने वाले हैं बोट। तो बोट बनाना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार जो हमारा कासल है ना, इतना ज्यादा बड़ा कासल है, लेकिन यार इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार ना मेरे नीचे कुछ लोग रहें, मतलब कि जैसे विलेजर्स होंगे ना, वो लोग मेरे कासल में आके रहेंगे, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं, जो राजा वाला कमरा है, इसके अंदर मैं ही रहूँगा, और जो बाकी सारे बंदे हैं वो यहाँ पर नीचे, उनके लिए भी घर बना दूंगा छोटे छोटे, वो लोग अपना वहाँ पर रहेंगे। इससे क्या होगा ना, जो अपना कासल है वो थोड़ा बहुत ना भरा भरा सा लगेगा और बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर अभी जो फालतू की चीज़ है उसको मैं अपने बैग से बाहर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक लीड ले लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ओके गाइस यार अभी फिलहाल जितना भी फालतू का सामान था वो मैंने सारा का सारा बाहर निकाल दिया, और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा विलेजर्स को ढूंढने के लिए। अब यार देखो विलेजर को ना अपने घर पर लाने के 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से मुझे ना 2 तरीके मालूम है। तो देखो यार पहला तरीका तो ये है कि तुम ना विलेजर्स के पास जाओ, और उनके पास जाकर ना बोट रख दो, और वो विलेजर्स जो है ना सीधा उस बोट में बैठेंगे, और फिर उस बोट को घास में चलाते चलाते ले आओ अपने घर तक, और फिर जो विलेजर है वो तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। और दूसरा तरीका जो मुझे मालूम है वो ये है कि जो ज़ॉम्बी विलेजर होते हैं, मतलब कि जो
ना एक टाइप से ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन यार वो विलेजर बन जाते हैं। उनको विलेजर बनाने के लिए भी तरीके होते हैं। तो देखिए यार, जो ज़ॉम्बी विलेजर होते हैं ना, उनको क्या करना होता है कि पहले रात में जाओ, और जब वो तुम्हें मारने के लिए आएंगे तो तुम्हें भागते जाना है और उसे अपने घर के पीछे ले आना है, मतलब अपने घर तक ले आना है। और फिर वो जैसे तुम्हारे घर तक आ जाएंगे तो उनको गोल्डन एप्पल खिला दो, और साथ के साथ ना उनको एक पोशन पिला दो, पोशन ऑफ वीकनेस। तो उससे क्या होगा कि वो जो है अपना नॉर्मल हो जाएंगे पहले की तरह, और फिर एक विलेजर बन जाएंगे, फिर वो तुम्हारे घर में रहने लग जाएंगे। फिर उनके लिए एक बढ़िया सा घर बना दो, और वो तुम्हारे घर के पास में जहां पर भी रहना चाहते हैं वो लोग रहने लग जाएंगे। तो यार देखो, विलेजर को ढूंढने से पहले ना मैं आपको अपना एक्सपी फार्म दिखा देता हूं, जो कि मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बनाया था। यार सच्ची में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, और देखते ही देखते यहां पर ना बारिश भी होने लगी। तो वो जो माइन थी ना वो ये वाली थी, और भाई साहब ये देखो, रात होते यहां पर उस वाले बैट ने मेरे ऊपर कितना खतरनाक अटैक करा है। यहां पर ना आज मेरा मन कर रहा है ना इसको मार दूं, अगर मेरे को नजर आ गया ना इसका मैं मुंह तोड़ूंगा। ये देखो ऊपर की तरफ में उड़ रहा है, बट यार अभी ना इससे लड़ने का मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, वरना मैं इसको मार मार के इसका भूत बना दूंगा। अब यार देखो, जैसे गेम में अंधेरा होता है ना वैसे ये बैट मेरे को मारने आ जाता है, और यहां पर जो मेरा अभी एक्सपी है ना वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो भी जल्दी से मैं उस जगह पर चलता हूं जहां पर मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाया था। वैसे यार जो रास्ता है ना यहां का बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये देखो गाइस भागते भागते अभी फिलहाल मैं उस जगह पर आ चुका हूं। मेरे को ना यहां से बस नीचे की तरफ में जंप मारना है, और फिर जो आगे का रास्ता है वो मेरे को कहां से जाना था, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है। और यहां पर ना आगे की तरफ में एक मशरूम पड़ा हुआ है, जल्दी से वाला मैं मशरूम भी ले लेता हूं। और यहां पर ना थोड़ी बहुत स्पाइडर भी होते हैं जिससे थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर स्पाइडर ज्यादा चौड़ी होगी तो उसका मुंह तोड़ के साइड कर देंगे। अभी फटाफट से मैं उस जगह पर चल लेता हूं जहां पर मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाया था। अब यार वहां का रास्ता ना मुझे एकदम बढ़िया से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूं ना थोड़ा बहुत मैं भूल जाता हूं, ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जगह मिलती नहीं है, बट यार ढूंढना ऊंढना पड़ता है। तो मैं उसका जो रास्ता है ना सीधा अपने घर से यहां तक का बना दूंगा। और यार यहां पर स्पाइडर की आवाज मेरे को बहुत ज्यादा आ रही है, तो मेरे को भी बहुत ज्यादा आराम आराम से ढूंढना पड़ेगा उस जगह को। तो कहीं सर मैं इतनी देर से इस जगह पर घूमे जा रहा हूं, और यहां पर इतनी ज्यादा स्पाइडर है ना पूछो मत। मतलब कि ये देखो अभी यहां पर एक के बाद एक स्पाइडर आए जा रही है। लेकिन गाइस यार दिक्कत की बात ये है कि जहां पर मैंने अपनी माइनशाफ्ट बनाई थी ना, मतलब कि जहां पर मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाया था, वो वाली जगह है मेरे को ना नजर आई नहीं रही है। तो यहां पर यार इतने सारे जो ट्रेन के ट्रैक है ना, इसी मैं इसलिए कलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ना मैं अभी ना इस जगह का जो रास्ता है अपने घर से पूरा बना दूंगा माइन कार्ट से। मतलब यार देखो इससे क्या होगा ना कि जो पटरी है ना मैं पूरे के पूरे रास्ते में बिछा दूंगा और अपने घर तक ले जाऊंगा, और फिर वहां से ना सीधा मैं एक माइन कार्ट में बैठूंगा, और वो माइन कार्ट मेरे को सीधा इस जगह पर छोड़कर जाएगी। और बाकी देखो मेरे को वो वाली जगह मिल गई। तो यहां पर ना मैंने पूरे के पूरे सही तरीके से रास्ता बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि ना यहां पर मेरे को इसी जगह से पूरा पूरा रेल ट्रैक लेकर जाना है। तो अभी फटाफट से यहां पर गाइस ये देखो फाइनली अभी मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं। इसको भी थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं, ठीक है, अब अच्छा नजारा दिखेगा। तो ये देखो यही है वो मॉब स्पॉनर जिसके अंदर से ज़ॉम्बीज गिरते हैं और सीधा इसके अंदर जाते हैं। ये यहां पर वाटर से ऊपर की तरफ में लिफ्ट हो जाते हैं और फिर आगे जाके नीचे आके गिर जाते हैं। अभी फटाफट से मैं चलता हूं नीचे की तरफ में। यहां पर लग रहा है बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। भाई साहब देखो सामने की तरफ में कितने सारे ज़ॉम्बीज, तो अभी मैं सबको मारने वाला हूं। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं, क्रीपर कहां से आ गए भाई? क्रीपर बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्रीपर्स के पास जाओगे ना भाई वो फूट जाएंगे और फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा पीछे होकर सबको मारूंगा। भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, यानी कि मेरे को भी बहुत सारा एक्सपी मिलने वाला है। तो अभी मेरे को जितना ज्यादा एक्सपी मिलेगा ना, ओ भाई ये कौन मार रहा है, ये छोटा बच्चा आगे कैसे आ गया भाई साहब? यहां पर गाइस देखो अभी मेरे को जितना एक्सपी मिलेगा ना मैं उतना ज्यादा यहां पर अपनी डायमंड सॉर्ड या फिर जितने भी टूल है उनको अपग्रेड कर पाऊंगा। यहां पर भाई अभी एक नहीं बहुत सारे ज़ॉम्बीज यहां पर भरे पड़े हैं, सबको मारूंगा किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना ज़ॉम्बीज को मार मार के मेरा जो एक्सपी है वो 19 हो चुका है। अब यार मैं आपको एक बार आगे चलकर दिखाता हूं कि आखिरकार ये वर्क कर कैसे रहा है। मतलब कि देखो ये जो मॉब स्पॉनर है ना इससे ज़ॉम्बीज गिरते हैं और फिर जो ज़ॉम्बीज है ना वो पानी के बहाव से उस तरफ में जाते हैं, और वो वाला जो वाटर है वो इनको ऊपर की तरफ में लिफ्ट कर देता है और फिर वहां से ऊपर से ढकेल देता है इनको नीचे की तरफ, और ये लोग काफी ज्यादा ऊंचाई से नीचे आके गिरते हैं और इनकी हेल्थ खत्म हो जाती है और मैं एक तलवार में इनको मार देता हूं। तो यहां पर भी देख लो बहुत सारे ज़ॉम्बीज आके गिरे हुए हैं। तो बिना फटाफट से मैं अपना जो एक्सपी है ना उसको 30 या फिर 50-50 करके यहां से चलेंगे। वैसे 50 होने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे ना और एक्सपी फार्म बनाने पड़ेंगे। वैसे यहां पर देखो अभी ना मुझे काफी सारी स्वॉर्ड मारनी पड़ेगी, और अगर अभी ऊपर से गिर गए ना गड़बड़ हो जाएगी, मैं यहां से निकल लेता हूं फटाफट। और यहां पर मैं तो डूब रहा हूं भाई, जल्दी 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 ऊपर से गिर गए गड़बड़ हो जाएगी, सामने वाले ज़ॉम्बीज को मार के खुश रहो। तो गाइस यार देखो यहां पर ना जिंदगी भर अनलिमिटेड ज़ॉम्बी स्पॉन होते रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं ना यहां पर एक रेलवे ट्रैक बिछा देता हूं, जिससे कि क्या होगा ना मैं अपने घर से सीधा यहां तक जो है रेल पर बैठ के आ जाऊंगा बहुत ही ज्यादा जल्दी, क्योंकि यार डेली कौन आएगा यहां पर, इतनी सारी स्पाइडर होती है उनको भी मारना पड़ता है और फिर बहुत ज्यादा ना दिक्कत होती है। इसलिए ना यहां पर अभी जो रेलवे ट्रैक है मैं पूरा कुछ इस तरीके से बिछाने वाला हूं जिससे कि मैं इस जगह पर पहुंच जाऊं। तो देखो भाई ये जो है वो फाइनल जगह है, तो यहां से मेरी जो ट्रेन है ना वो आने वाली है। तो मेरे पास ना अभी एक भी छोटी सी भी कार्ट नहीं है, वरना मैं टेस्ट कर लेता इस जगह पर एक बार आके। बाकी यार यहां पर ना मेरे को भी दीवार तोड़ते थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और ये वाली जो रेल है इसको मैं चाहता हूं ना एकदम सीधे सीधे आए और इसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बी क्रीपर ना स्पॉन हो, तो मैं इसके अंदर ना टॉर्च भी लगा दूंगा। तो अभी फटाफट से अपनी जो डायमंड पिकैक्स है ना इससे मैं सारा तोड़ते हुए आगे चलता हूं। यार मेरे को ना अपनी डायमंड पिकैक्स में भी ना एक एबिलिटी डाल देनी चाहिए थी,
जिससे कि क्या होता ना कि यार ये जो जितने भी पत्थर है ना ये और ज्यादा स्पीड से टूटते, बाकी ये पानी कहाँ से आ गया भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ, ये नलका किसने चालू कर रखा है उधर यार, मेरे को पानी बंद कर आना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये इतना सारा पानी भाई, ये तो थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा है, रुको रुको रुको, इसका जुगाड़ अभी करना पड़ेगा, मेरे पास बहुत सारा कॉबल स्टोन है, रुक जाओ यार, सारा का सारा पानी मैं अभी बंद करता हूँ, ठीक है, ये देखो भाई सारा पानी मैंने बंद कर दिया भाई, पता नहीं कहाँ से आ गया था इतना सारा पानी, अभी ना यहाँ पर जल्दी से मैं दोबारा जो है तोड़ फोड़ का काम शुरू करता हूँ। तो चलो भाई यहाँ तक जो है काम मैंने कंप्लीट कर दिया, अभी जितना भी रेलवे ट्रैक है मतलब कि जो रेल है इसको मैं फटाफट यहाँ से जो है बिछाते हुए चलता हूँ आगे की तरफ में, और यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से ना ट्रैक की मेरे को कमी पड़ने वाली है, मेरे को ना ट्रैक खुद से बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पर एक ट्रैक रखूंगा ऊपर, एक ट्रैक रखूंगा नीचे, और ये जो ट्रैक है ना आपस में कनेक्ट हो गए, अभी फटाफट से ना मुझे सारा का सारा ट्रैक जो है ना इस टाइप का ही बनाना है, क्योंकि ना मेरे को ऊपर की तरफ में बाहर निकलना है और मुझे नहीं पता ये जो जगह है कहाँ पर बाहर निकलने वाली है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रास्ते से मैं बाहर जरूर निकल जाऊंगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल ये जो मेरा रेलवे ट्रैक है ना इसको मैंने यहाँ तक बिछा दिया है, और अभी ना मुझे इसको अपने घर तक ले जाना है, और मुझे नहीं पता ये जो जगह है कहाँ से एग्जिट होगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो जगह है कहीं ना कहीं से एग्जिट तो हो जाएगी, बाकी यार अभी ना मुझे बहुत सारे रेलवे ट्रैक को या तो बनाना पड़ेगा या फिर इसी माइनशाफ्ट में ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर लाकर लगाना पड़ेगा। तो अभी एक काम करता हूँ, जितना भी यहाँ पर हो पा रहा है ना सारा का सारा मैं तोड़ते हुए चल लेता हूँ ऊपर की तरफ में, और देखते हैं ये जगह किस तरफ में बाहर निकलती है। तो वैसे ना ऊपर की तरफ में एक एग्जिट पॉइंट तो आया है, यहाँ से मैं एक बारी बाहर निकलता हूँ, लेकिन यार ये तो जगह ही अलग है, कोई दिक्कत नहीं अभी तोड़ते हुए और आगे चलते हैं। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ में आ गया हूँ, और फाइनली अब जाकर ये जो जगह है ना यहाँ से एग्जिट हुआ है भाई साहब, सच्ची में अभी मुझे नहीं पता मैं कहाँ को बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन यार मुझे ना सबसे पहले अपना घर ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पर अभी ना पूरे के पूरे एरिया में जितने भी रेल के ट्रैक हैं वो सारे के सारे बिछाने पड़ेंगे। अभी ना मैं सबसे पहले ना इस जगह को थोड़ा सा ना मार्क कर लेता हूँ, ताकि ना मेरे को अच्छे से याद रहे और इस जगह को मैं कभी भी ना भूलूं। अभी ना इस जगह को याद रखने के लिए मुझे इस तरीके से यहाँ पर ना खूब सारा कॉबल स्टोन लगाकर इसकी हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा ऊंची करनी पड़ेगी, ताकि मैं कहीं पर भी रहूँ तो मुझे ये वाली जो जगह है दिख जाए, और बाकी ना यहाँ पर मेरा घर किस तरफ है भाई पता नहीं, वो देखो भाई सामने की तरफ में मेरा घर है, मतलब कि जो ट्रेन का ट्रैक है ना वो मैं पूरा का पूरा नीचे बेसमेंट से ले आऊँगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब कि मस्त लगेगा जो भी है, बाकी ये जो जगह है ना अभी मैंने बहुत ज़्यादा ऊंची बना दिया है। अब यार यहाँ से अगर मैं जंप मारूंगा भाई, जंप मेरे को मारना नहीं था, और भाई साहब मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से जंप मारा, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ गई है, अब मेरे पास खाना जो है पड़ा हुआ है, फटाफट यार सारा खाना खाते हैं और जल्दी से मैं वापस ना नीचे की तरफ में चलता हूँ और रेल के ट्रैक लूंगा, और सारे के सारे ट्रैक जो है ना यहाँ पर भी बिछाने पड़ेंगे, और जो अपनी रेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो जो काम है बाद में करेंगे, क्योंकि ना अभी मुझे अपने घर पर विलेजर्स को भी लाना है भाई, देखो मैं क्या करने निकलता हूँ काम और क्या करने लग जाता हूँ। बाकी यार यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो मैंने कितने सारे पत्थर तोड़े थे ऊपर जाने के लिए, और नीचे आने में तो बिल्कुल पता ही नहीं चला इतनी जल्दी मैं नीचे पहुंच गया। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर रेल ट्रैक बिछाए हैं ये सारे के सारे मुझे अपने घर तक ले जाने हैं। तो चलो गाइस यार अभी उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन हो रहे हैं, और सामने की तरफ में भी भाई कॉन्टिन्यूसली ज़ॉम्बीज स्पॉन होते ही रहते हैं, और भाई सच्ची में यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज भर गए हैं, सबको मारूंगा भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पर जितने ज़ॉम्बी मारूंगा ना मेरी उतनी ज़्यादा एक्सपी देखो भाई कितनी तेज बढ़ रही है, धड़ाई धड़ यहाँ पर मेरी एक्सपी जो है बढ़े जा रही है, यहाँ पर भी फटाफट से अपनी एक्सपी बढ़ाते हैं, और यहाँ पर 24 हो चुकी है, 25 भी हो जाएगी, और जितने ज़ॉम्बीज से सारे मर गए भाई, सच्ची में इतनी भी ज़्यादा फास्ट नहीं बढ़ रही जितनी मैं सोच रहा था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बस समझ लो 6-7 एक्सपी मेरी बढ़ी है, और यहां पर सामान देखो भाई गोल्ड गोल्ड गोल्ड, और यहां पर ये गोल्डन चेस्ट प्लेट भाई, क्या क्या चीजें मिल रही है मेरे को, गन पाउडर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, यहां पर एक आयरन स्वॉर्ड भी मिल गई, और एक कैरेट मिला, कैरेट किस ज़ॉम्बी से मिलता है भाई, कैरेट भी मिलता है क्या ज़ॉम्बी से, मुझे मालूम ही नहीं था। फिलहाल यहां पर ये जो भी चीजें हैं ना इसको मैं बाद में अपने घर पर ले जाऊंगा, अभी इन्हीं चेस्ट के अंदर धरे रहने देते हैं। अभी यहां पर इस वाली चेस्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत मेरा सामान है, ये देखो यहां पर एक एंडर पेयल है, और बाकी यहां पर काफी सारा आयरन इंगट है, गोल्ड ओर है, ये सब मुझे अपने घर पर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस सब चीज को मैं पर रख देता हूं, और ये जो काम का सामान है इसको घर पर ले जाऊंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चीज घर पर ले जानी चाहिए क्या चीज नहीं ले जानी चाहिए, अब ना एक काम करता हूं ये वाला जो रास्ता है ना ये बंद कर देता हूं, क्योंकि अब मुझे यहां से नहीं आना, इस वाले रास्ते का अब कोई भी काम नहीं है, फटाफट से वाला जो पूरा पूरा रास्ता है वो मैं बंद कर देता हूं, ताकि ज़ॉम्बीज वगैरह ना इन पटरियों पे ना आ पाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन आ रही हो और सामने से और कोई ज़ॉम्बी आकर मेरे से भिड़ जाए, तो भी फटाफट यहां से मैं एग्जिट हो जाता हूं जल्दी से, मुझे यार बहुत सारे पत्थर को चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना काफी ज्यादा मुश्किलों से सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां से मैं एग्जिट हो चुका हूं, और भाई यार सच्ची में बाहर निकलने में ना बहुत ज्यादा जंप करने लग गई, लेकिन जब अपना यहां पर रेल के ट्रैक में सारे के सारे बिछा दूंगा ना फिर चुटकियों में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में हम लोग यहां से बाहर निकल जाएंगे, और हम लोग यहां पर ना घर से भी मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और यहां पर पहुंच जाएंगे, मतलब कि हमें इतना ज्यादा नीचे ढूंढना नहीं पड़ेगा जाकर, इसीलिए ये जो प्लान है ना मैंने बनाया था। तो बिना जल्दी से मैं किसी ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढता हूं या फिर किसी नॉर्मल विलेजर को ढूंढता हूं और उसको अपनी बोट में बिठाकर अपने घर पर ले जाता हूं। वैसे यार देखो उसे घर पर ले जाना ना इतना ज्यादा आसान है नहीं, बहुत ज्यादा
ज्यादा मुश्किल है। और नीचे की तरफ में यहाँ पर ये स्केलेटन खड़ा हुआ है, भाई साहब तेरी ऐसे की तैसी, ऐसा मुंह तोड़ूंगा ना नकली स्केलेटन। यहाँ पर वैसे अगर उधर स्केलेटन स्पॉन होंगे तो स्केलेटन से भी बहुत चीजें मिलेगी, लेकिन यार मुझे आज तो एक भी स्केलेटन नहीं दिखा था, लेकिन हो सकता है क्या पता बाद में बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हो जाए। अभी जल्दी से मैं चलता हूँ उस तरफ में। और बाकी यार गाइस अभी ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपी फार्म है, तो मैं ना एक नहीं बहुत सारे एक्सपी फार्म बनाने वाला हूँ। अभी तो ये फिलहाल स्टार्टिंग थी, जिस टाइम पर चाहिए होती है ना भाई कभी भी नहीं मिलती है। मतलब कि यहाँ पर मैं इतनी देर से किसी ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढ रहा हूँ कि मेरे घर के ना आसपास ही मिल जाए, ताकि मैं उसे ना जल्दी से जल्दी अपने घर पर लेकर जा सकूँ। लेकिन यार आप लोग ना यकीन नहीं मानोगे, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक एक भी मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर नहीं नजर आया। और ये क्या चीज़ है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये पता नहीं क्या था, इसको मैंने पहले भी मारा था और ये जो चीज़ है मैं इसको उठा नहीं पा रहा, मेरे बैग की जगह भर गई है, तो मुझे पहले कुछ गिराना पड़ेगा। एक्स फेंक देता हूँ, एक का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, ये है स्लाइम बॉल, पता नहीं इससे क्या होता है, बट जो भी है चीज़ थोड़ी सी यूनिक सी लगी थी, इसलिए यहाँ पर मैंने वाली जो बॉल है वो ले लिया है। अब भाई यार ये देखो सामने की तरफ में एक चीज़ मेरे को और आई अलग यूनिक सी कुछ नजर आई है। यहाँ पर ना इसके मैं ये मारता हूँ और ये देखो इसके बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है, और ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा मजबूत तो लग रही थी, बट यार ये क्या मेरे को मिला भाई, ओए ये क्या है, अच्छा ये अलग अलग पीस में हो गए, भैंस की टांग, ये तो बहुत खतरनाक है। और ये ज़ॉम्बी विलेजर है क्या, नहीं यार ये ज़ॉम्बी विलेजर नहीं है, देखने में वैसे ही लग रहे हैं, ज़ॉम्बी विलेजर ऐसे ही होते हैं क्या, नहीं यार उनकी ना शक्ल थोड़ी सी अलग होती है। फिलहाल यहाँ पर मैं इन सबको मारने वाला हूँ, भाई ये क्या है, एक सेकंड रुक जाओ ना, एक एक करके आओ। अबे भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अच्छा ये सारे के सारे टुकड़ों में बटे जा रहे हैं। अबे मैं तुम्हारी ये स्लाइम बॉल का करूंगा क्या, दो कोड़ी की चीज है, क्या बनता है गाइस इससे कमेंट में जाकर जरूर बताना। और भाई साहब यहां तो ये एक बंदे का मैं सोच के गया था और मुझे नहीं पता था मुझे 20-30 बंदे मारने पड़ जाएंगे, तो चलो भाई ठीक है अभी इसको मार के ना मुझे बहुत सारी स्लाइम बॉल तो मिल गई है। बट यार ये जो छोटी चिरांद है ना ये बहुत बुरा मारता है, भाई तेरी ऐसी की तैसी निकल यहां से। भाई साहब ज़ॉम्बी छोटे वाले को मारना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, पता नहीं क्या खाकर आते हैं, इतने जोश में आते हैं ना कि पीछे ही पड़ जाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर सबको मैंने मार दिया है, लेकिन यार जो कि मैंने कहा था ना मुझे विलेजर नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। तो गाइस यार कल ना मैं एक काम करूंगा, किसी विलेज में जाऊंगा और वहां पर से ना विलेजर को ही लेकर आ जाऊंगा। बाकी यार यहाँ पर देखो ये वापस से वही आ गए जो कि ना मतलब ज्यादा रात में ना सोना तो मारते हैं। बाकी अगर इसने मेरे ऊपर अटैक करा मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, बेटा मैं पहले बता रहा हूँ मेरे से पंगे मत लियो, तू एक चाटा मेरे वैसे ही बजा चुका है भाई, कसम से ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। एक काम करता हूँ थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और ये देखो यहाँ पर गोलम महराज को नीचे ज़ॉम्बी दिख रहे हैं, लेकिन नीचे जंप लगाने में डर लग रहा है भाई, ये अटैक करेगा मेरे को ना उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आगे 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 तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से, भाई साहब तुम्हारे भाई का निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा, इसका मैं भूत बना दूंगा हवाई हवा में। अगर अब इसने आने की कोशिश करी ना इसके एकदम रख के पड़ेगा। यहाँ पर एक और मैंने छोड़ा है, बट यार वो बच जाएगा। और नीचे की तरफ में यहाँ पर वो देखो गाइस वो रहा ज़ॉम्बी विलेजर, भाई इतने टाइम से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ और मेरे को वो अब मिला, तेरी ऐसी की तैसी भाग यहाँ से, इतने टाइम बाद मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर मिला है और ये ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पड़ रहे हैं। इसको मैं जल्दी से ना अपने घर पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर अगर ये मेरे पीछे आएगा तो बढ़िया है। लेकिन ज़ॉम्बी विलेजर कहाँ पर चला गया, अभी मुझे यहीं पर वो दिखा था यार, एक सेकंड वो पानी में डूबा हुआ था, देखो ये भी ज़ॉम्बी विलेजर। ओ भाई साहब यहाँ पर ट्राइडेंट किसने मारा बे, तुम्हारी ऐसी की तैसी ट्राइडेंट कौन मार रहा है, इधर आती ही ऐसी की तैसी, मैं मुंह तोड़ दूंगा, अनलिमिटेड ट्राइडेंट होता भाई इनके पास, बहुत बुरी तरह मारते हैं। और यहाँ पर भी फिलहाल मैंने इसको तो मार दिया और ये भी आ रहा है मेरे ऊपर अटैक करने, निकल यहाँ से। भाई साहब इसको ना तीन बारी मेरे को मारना पड़ेगा तब ये मरेगा, और मेरी जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और यहाँ पर जो ज़ॉम्बी विलेजर था वो कहाँ पर चला गया मुझे वो नहीं नज़र आ रहा। तो गाइस यार देखो मैंने ना एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, वो वाला जो ज़ॉम्बी था ना यार मैंने उसको मार दिया है। लेकिन गाइस यार अच्छी बात ये है कि ना यहाँ पर एक ज़ॉम्बी और है, बट यार ये ना पानी के अंदर बुरी तरह डूबा पड़ा है, तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि ये ऊपर कैसे आएगा। और यार यहाँ पर ना जल्दी से ऊपर आ जा, मैं इसको अपने घर पर लेकर चलने वाला हूँ, जल्दी जल्दी जंप कर जल्दी आ जल्दी आ। ओके गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल एक ज़ॉम्बी को तो मैंने मार दिया था, लेकिन जो दूसरा वाला ज़ॉम्बी विलेजर है वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, सोच रहा है कि मेरे को मारेगा, जल्दी आ जल्दी आ। और वहाँ पर अगर ये अटैक करेगा ना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, आ जाती ही ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। भाई साहब मैंने भी इसके मारा, उसने भी मेरे मारा, और यहाँ पर ज़ॉम्बी भी अभी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो बिना जल्दी से मुझे ज़ॉम्बी को घर पर लेकर चलना है। और जल्दी आ जा भाई, इसको तो मैं बाद में देखूंगा भाई ये, वरना मेरे को बहुत ही बुरी तरह मारते रहेगा। और समझ ही नहीं आता ये ना उड़ते रहता है और झटके से आके अटैक कर देता है। मेरे पास ना एक बहुत मस्त आइडिया, आ जा जाती है ऐसी की तहसीब इसकी टांग निकल यहाँ से। भाई साहब इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, और इस तरीके से मैंने इसे मार दिया है। अभी ना देखो ज़ॉम्बी भी यहाँ पर जो आ चुका है, मेरे को ना ज़ॉम्बी को इस जगह के अंदर बंद करना है, तो मेरे को थोड़ा सा कोबलस्टोन चाहिए होगा। ज़ॉम्बी पहुंच गया भाई 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 आराम से, अगर दिन हो गया ना तो ये ज़ॉम्बी मेरा भूत बना देगा, इसलिए काम करता हूँ यहाँ पर ना एक पत्थर लगाता हूँ और इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ। जल्दी आ ज़ॉम्बी अंदर आ, फटाफट से अंदर आ। अबे अंदर क्यों नहीं आ रहा, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी, इधर हूँ मैं, इधर 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 से आ, इधर से आ।
तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने एकदम मस्त तरीके से रास्ता बना लिया, ज़ॉम्बी मेरे पीछे पीछे आ जाते ना मुंह तोड़ दूंगा वरना मैं। ओ भाई साहब थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ नहीं मारना फटाफट से भाई, ये तो बहुत बुरी तरह मार रहा है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो अभी फिलहाल ये जो ज़ॉम्बी है ना मैंने इसको अंदर बंद कर दिया है और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, बाहर मत निकलियो। चलो भाई यहां पर रास्ता पूरा बंद कर दिया था लेकिन ये ज़ॉम्बी फिर भी अंदर आ गया, मतलब बाहर आ गया, अंदर 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 अब अंदर नहीं आया ना पिटेगा वरना मेरे से। चलो भाई अंदर भी आ चुका और मैं यहां से बाहर निकल गया और इसको बाहर का रास्ता भी बताया। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल ज़ॉम्बी को मैंने अंदर की तरफ में तो ऑलमोस्ट पूरा बंद कर दिया, बस यार ये वाला रास्ता और बंद करना है। और ये देखो भाई यार मैं नहीं चाहता कि ये बाहर निकले ये, लेकिन ना फिर भी फटाफट से बाहर निकल जाता है, वापस अंदर आ वापस अंदर आ। अभी जैसे ही अंदर आएगा ना मैं फटाफट से बाहर निकल जाऊंगा, जल्दी से वाली जगह तोड़ो। और ये रैप्टा मारने वाला मेरे बहुत तेरी ऐसी की तैसी भाई जिंदा मारेगा कि इसको बंद कर दो। चलो भाई ये जो जगह है मैंने पूरी की पूरी बंद कर दिया है और ज़ॉम्बी जो है ना अंदर की तरफ में बंद हो गया, इसको भी बंद कर दूंगा। अगर देखो दिन में रोशनी हो जाएगी ना तो ये मर जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ये मरे और जो बाकी काम है ना वो मैं सारा का सारा दिन में करने वाला हूं। तो चलो भाई यहां पर इसके अंदर मैंने ज़ॉम्बी को बंद कर दिया है, अब जैसे दिन होगा ना मैं इसको जो एक विलेजर बनाकर अपने घर पर ले जाने वाला हूं। तो ओके गाइस अभी फिलहाल उस ज़ॉम्बी को वहां पर बंद करके मैं अपने कासल में वापस आ गया हूं। तो चलो गाइस अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और जो नेक्स्ट वाला एपिसोड होने वाला है ना भाई वो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जो ज़ॉम्बी विलेजर है ना हम इसको नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ना काफी कुछ करना पड़ता है, वो आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसके बाद हमारे कासल में बहुत सारे विलेजर्स आ जाएंगे और उसके बाद गाइस मैं एक रेलवे ट्रैक बिछाने वाला हूं जो कि सीधा जाएगा हमारी माइन शाफ्ट में, मतलब कि जहां पर मैंने अपना एक्सपी फार्म बनाया वहां तक। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो गाइस यार चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाओ यार जल्दी से इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर दो। 1 लाख मेंबर होते ही हम लोग करने वाले एक बहुत ही बड़ा टॉक शो जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं, तो जल्दी से जाओ डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।